बांछाकल्प करू अशरण शरण दीनबंधु पतित उद्धारण पतित पावन भक्त वत्सल भगवान श्री राधाकांतंक चरण रे उपस्थित होकी मनुष्य जीवन रो परम लाभ सत्संग श्रीमद भागवत कथा को आम श्रवण करूछु। शास्त्र रा संग को भी साधु संग बोली कहा जाए। जदि केबे कोनोसी साधु रा संग न मिले शास्त्र रा स्वाध्याय स्वाध्याय माने सद शास्त्र पढ़ीबा गीता भागवत रामायण पढ़ीबा याकु विशुद्ध साधु संग बोली कहा जाए। ए भागवत रा वक्ता होचंती स्वयं श्री सुख गोस्वामी रचयिता भगवान वेदव्यास। तो भागवत कथा श्रवण स्वयं सुख गोस्वामी सत्संग संगे समान कारण ये भागवत वाणी मु कहूनी कौन सी सामान्य मनुष्य कहूनी श्री सुख मुनि जहाँ कहते हमें सुने दौ तेणु उत्तम साधु संग शास्त्र स्वाध्याय ही था। ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु। तेणु साधु संग न होवा जाए विवेक उत्पन्न हुए नहीं बिनु सत्संग विवेक ना होई। को विवेक सद वस्तु कौन असद वस्तु कौन ए बुद्धि विवेचन करिवा को विवेक बोली कहा जाए। जार विवेक नष्ट हो जाए ताको सत आउ असत भितरे फरक जना पड़े नहीं। अब विवेक साधु संग द्वारा ही है था। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जित सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतम मोह मदांधकार नाशम विधाय ही उदयति विवेक। अनेक जन्मर पुण्य उदय हेले ही साधु संग मिली थाए विशुद्ध साधु संग और साधु संग द्वारा मनुष्य विवेक उत्पन्न ही थाए। भल मंद बुझीवार ज्ञान तक ही थाए। खीर नीर भितर भेद करिवार ताकु बुद्धि मिली थाए। और जब मनुष्य सद वस्तु माने परमात्मा भगवान को अनुभव करे बुझी पारे और असद वस्तु संसार तार भी ज्ञान करी पारे और भगवान को प्राप्त परिवार इच्छा जिज्ञासा का मन भीतर उत्पन्न नहीं जाए मनुष्य तार कल्याण पथरे अग्रसर ही थाए। तेणु जे पर्यंत जीवन रे जणे संत सद्गुरुदेव कर आगमन हेनी से जीवन पूर्ण नुहे सद पथ गामी से जीवन हुए नी। जे पर्यंत जीवन रे कौन से साधु सद्गुरु के आगमन हेनी और जदि एभली जणे सद्गुरु मिली गले जे पदे पदे भगवत मार्ग रो अनुसरण करउचंती मने जानो से गुरु रूप रे स्वयं भगवान ही प्राप्त हे छंती। कृष्ण जदि कृपा करे कौन भाग्यवान जने गुरु अंतरजामी रूपे सिखायो आपने। हजारे भितरे लखे भितरे जणो को भगवान इतले अति प्रसन्न होंती बहुत कृपा करंती स्वयं गुरु रूप रे ताके प्राप्त हे जांती। जेमती प्रकृति रे बसंत ऋतु आसीले प्रकृति रा सौंदर्य बढ़ी जाए डाल पत्र पुष्पित हो जाए पल्लवित हो जाए बसंत ऋतु रे सुंदर देखा जाए प्रकृति। सेमिति जीवन गुरु बिना मरुस्थली समान ही थाए। असंत गुरुंकर अनुगत रे जेबे जीवन निर्वाह हुए से जीवन भी बसंत ऋतु समान ही जाए आनंद ही आनंद थाए। राजा परीक्षित गंगा कूल रे बसी छंती और जेते महात्मा माने गंगा कूल रे बसछंती समस्त को गुटिए प्रार्थना करंती कि हे महात्मा माने
दसत्वलम गायत विष्णु गाथा मु मोर प्राण गला समय रे भगवान कर कथा को सुनिया पई चाहूची। देखो कृतज्ञ व्यक्ति रे सदैव आदर हे था। कृतघ्न व्यक्ति से मनुष्य हवार योग्य नहि। कृतघ्न कहा को कह जाए कृतम जानाति कृतज्ञ। आम प्रति जने यदि कोनोसी कृपा करीचि कोनोसी उपकार करीचि ताको जीवन थिबा पर्यंत न भूलिबा ताको कृतज्ञ बोले कह जाए। और जे करा हेतिबा उपकार को भूली जाए ताको कृतघ्न बोले कह जाए। भगवान पर करुणा पदे पदे मनुष्य ऊपर अछि किंतु भगवान पर से करुणा को मनुष्य भूली जाए तो कृतघ्न हो जाए। यदि कृतज्ञ ही थांता तले गोटे गोटे उपकार को मने पकांता और केवे भगवान को भूलंता नहीं। राजा परीक्षित किंतु कृतघ्न नहंती परम कृतज्ञ। भगवान पर करुणा को से सदैव स्मरण करंती कि मु जेबे मातार गर्भ रे थिली अस्वस्था मार ब्रह्मास्त्र द्वारा मोर मृत्यु हे सारी थिले। यदि गोविंद गर्भ भितरे प्रवेश करी कि चक्र आवड़ा रे रखी कि गदा बुले कि मोर रक्षा करी न थांते ताहले मातार गर्भ भितरे मोर रक्षा के करी थांता। तनु ए जो जीवन मु पाई छी ए जीवन गोविंदंकर कृपारु मते प्राप्त हेई छी। तेणु से गोविंदंकर कथा सुनिबा से मोर परम कर्तव्य। मु तांकर परम किंकर बोली के राजा परीक्षित परिचय दियंती। तेणु तम मोपयातम प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी ध्रुचचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा दसत्वलं गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मण माने हे गंगा देवी हे संत माने मो प्रति एभली कृपा करंतु ध्रुतचित्त मीशे भगवान को चरणार बिंदरे मोर चित्त लागी जाऊ मोर मन लागी जाऊ। अब भगवान कर पादर मन लागो तार गोटे उपाय कृष्ण कथा हरि कथा न श्रवण कला जाए भगवान कर पाद तले मन लागिवो नहीं। तेणु दसत्वलम गायत विष्णु गाथा आपण माने मो ऊपर कृपा करी भगवान कर कथा मते सुनांतु। किंतु से समाज रे पराशर वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम भगवान वेदव्यास बड़ बड़ महात्मा माने थिले केही राजा परीक्षित रो समाधान कले नाही। मात्र कहिले कि हे राजा परीक्षित आपण महाभाग्यशाली पांडव मानकर वंश रे उत्पन्न हे चंती तेणु भगवान को प्रति एभली श्रद्धा तो आपण को परिवार रे प्राप्त हेछि रक्त रे प्राप्त हेछि ये आपण को स्वभाव तेणु एथरे कोनोसी अन्यथा नाही कि आपण को मन भगवान कर पाद तले लागी सरलण न भगवान कर चरण रे मन नथिले ए हरि कथा प्रति भी रुचि उत्पन्न हुए नाही। महादेव तो स्वयं पार्वती को पूर्ण रूप रे कहंती कि हे पार्वती यह न कहई हटही यह न कहई सठही हटशी लही जो न सुनही मन लाई हरि ली लही। जे मन दे के हरि कथा को श्रवण करे नी ए भली व्यक्ति के सामने रे हरि कथा रो उपदेश भी दबा उचित नहे। ये हरि कथा कोनोसी सामान्य वस्तु नहे ये अति दुर्लभ वस्तु। जी भगवान कर कथा प्रति आदर बुद्धि रखे ताकु ही हरि कथा श्रवण करिया कथा। तेणु हे राजा परीक्षित आपण कृष्ण कथा सुनिया पई परम अधिकारी आगो को दशम स्कंदर स्वयं सुखमुनि कहिबे सम्यक व्यवसितो बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः
वासुदेव कथायाम ते यजात नष्ठिकी रति। हे राजसत्तम, हे राजश्रेष्ठ, हे राजर्षि, आपणकर बुद्धि अत्यंत व्यवस्थित ही गलाणी, आउ बुद्धि चंचल होनी, बुद्धि एकदम व्यवस्थित ही सरलाणी। कारण वासुदेव कथायाम ते यजात नष्ठिकी रति, भगवान वासुदेव कर कथा प्रति अपन कर जो निष्ठा, जो रति, जो प्रेम, तेणु अपन कर बुद्धि अत्यंत व्यवस्थित ही सरलाणी। समस्त प्रतीक्षा करू थांती भगवान सुखदेव कर आगमन हब, और तांको मुखरु हमें कृष्ण कथा सुनिबू। हम विगत प्रसंग रे सुनुतले कि श्री शुक मुनि गंगा कूल रे आसिकी पहुंची चंती। तम द्वाष्ट वर्ष सुकुमार पाद करोर बाह सकपो लगात्रम चारवायताक्षुन्नशतुल्य कर्णम सुभ्राननम कंभु सुजात कंठम। दुई अष्ट वर्ष सोलह वर्ष आयु सुकुमार पाद चरण गुड़ा को अत्यंत सुकुमार, करोर बाहु सकपोल गात्रम सुंदर आजानु लंबित भुजदंड जंघा जाए लंबी ची दुई भुज, सुंदर कपोल सुंदर केश, सुभ्राननम कंभु सुजात कंठम मयूर समान सुंदर कंठ, स्वयं नंद नंद नहीं व्यास पुत्र रूप रे आसी प्रकट हे चंती। तनो तांकर सौंदर्य नि तुलना युक्त न है, अतुलनीय सौंदर्य। सुक मुनि को देखी के समस्त छिड़ा हेले तांको स्वागत कर चंती। राजा परीक्षित गंगा कूल रे तांको बसैले, गंगा जल आणी के तांको चरण धोई चंती। केऊ जल देई धोईबी पादु गंगा बाहर, जहां का चरण रु गंगा प्रकट हेछि तांको कोउ जल रे चरण धोइबि। किया सन देवी आसन गरुड़ जहार, केउ जले पाद धोइबि पदु गंगा बाहर, कि नई वेद्य मु बाढ़ीबी जेहु सुधार, केवे स्तुति करीबी बागदेवी जा किंकर। जहां चरणार बिंदु गंगा प्रकट हेची तांकु को जल रे चरण धोइबी। भगवपति गरुड़ जहां आसन तांकु की आसन रे बसेबी, सारा जगत को जे भरण पोषण करंती तांकु की नैवेद्य देकी भोग लगेबी। और बाग देवी सरस्वती जहां दासी तांकु की मंत्र स्तुति द्वारा प्रसन्न करीबी। तनु हे गुरुदेव, हे संत शिरोमणि, राजा परीक्षित कहंती मु कौन दे आपनकु संतुष्ट करीबी। तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपणकर वस्तु आपणकु समर्पण करूची। गंगा जल आणी सुकमुनिकर चरण धोइले, निज अश्रु जल रे सुकमुनिकर चरण प्रक्षाळन करचंती, अर्घ्य बाद आसन प्रदान कले। और सुकमुनिकु कहंती हे गुरुदेव, अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् सतसेव्या छत्रवन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकृतः। हे ब्रह्मन्, मो समान अपराधी क्षत्रिय उपरे आपण जो अनुग्रह करचंति कृपया तिथि रूपेण, जो अतिथि रूप रे आपण विजय करिसंति, मो कृतार्थ हेली। तीर्थ का कृत, आज ये गंगा कूल वास्तव रे तीर्थ हेगला। कलि युग रे
गंगोत्री ठारु आरंभ करी की गंगा सागर पर्यंत भगवती गंगा जो जो मार्ग देखी जाई चंती गंगांकर तटवर्ती प्रांत को महातीर्थ बोली कहा जाई छ। कली युग रे परम तीर्थ जो जो जगह रे गंगा वही की जाई छंती और ये गंगा स्वयं भगवान कर चरणामृत। किंतु आज गंगा भी पवित्र रही वाला तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदा भृतम्। वास्तव रे तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करंती महात्मा माने। महात्मा मानकर चरण स्पर्श द्वारा तीर्थ भी आउरी परम तीर्थ ही जाए। महात्मा मानकर चरण रे सब तीर्थ थाए। तेणु आज गंगा कूल परम तीर्थ ही गला। जो महात्मा स्मरण कला मात्रे मनुष्य मानकर अंतःकरण शुद्ध ही जाए पवित्र ही जाए। जदि तांकर दर्शन ही जीव पुणी तांकर चरण छुईबार सौभाग्य मिली जीव तांकर चरणामृत पीबार सौभाग्य मिली जीव और तांकर मुखरु सत्संग सुनिबार सौभाग्य मिली जीव। ये तो प्रत्यक्ष भगवान कर कृपा। येषां संस्मरणान् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जहांकर स्मरण करु करु मनुष्य मानकर गृहस्थ मानकर गृह पवित्र ही जाए। गंगारे स्नान कले पश्चाते पावन किंतु महात्मा माने दर्शन दौ दौ पवित्र कर दियंती। किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी और यदि तांकर दर्शन ही गला पाद धोइबार सौभाग्य मिली गला तांकर वचनामृत सुनिबार सौभाग्य मिली गला ताहले ए करुणा को ए बाणी रे वर्णना करी हवनि। राजा परीक्षित कहंती निश्चित ही आज गोविंद मो ऊपर बहुत करुणा करचंती। थरे तो माता गर्भरे रक्षा कले माता र गर्भे जेबे थीला नयने गोविंद देखिला। जेबे माता गर्भरे थिली गोविंद गर्भ भितरे मते दर्शन देथिले आ आजी आपण को रूप रे स्वयं गोविंद ही प्रकट हे चंती। स्वयं नंदनंदन वासुदेव ही आपण को रूप रे मो सामना रे बसी चंती। अण भगवान स्वयं एकादश स्कंद रे उद्धव कहंती उद्धव आचार्य माम बिजानियात नाव मन्यत करहि चित। आचार्य माने गुरु गुरु को मोर ही स्वरूप बोली जानिबे। नमर्त्य बुद्धि सुयेतः सर्व देव मयो गुरु। गुरु को प्रति केवे मर्त्य बुद्धि करिबो नहीं। मर्त्य बुद्धि माने मणिष बुद्धि प्राकृत बुद्धि न गुरु मोर ही स्वरूप ही थाए। गुरु को नमणिब नर गुरु जे साक्षा तो ईश्वर गुरु जे सर्व वेदमय मुहि वसई तारु दे। मु स्वयं गुरु रूप रे विराजमान थाए आ जो शिष्य रो गुरु को प्रति भगवत बुद्धि हे जाए ताकु भगवान आ गुरु को भीतर कोनसी भेद जणा पड़े नाही। तेणु राजा परीक्षित कहंती थरे गोविंद गर्भ भितरे मते दर्शन देथिले आज आपण को रूप रे स्वयं गोविंद ही विजय करिछंती। आ निश्चित ही मो भितरे तो कोनोसी एभली सद्गुण नाही जहा को देखि कि प्रभु मो उपरे एते करुणा ढाली देवे। किंतु मु जहांका वंश रे जन्म हिछि से भगवान के अति प्रिय थिले। मो पिता अभिमन्यु भगवान तांको केते भलो पाउथिले सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भगवान को अति प्रिय भणजा और तांको पिता मो पितामह अर्जुन तांको प्रेम रे बसीभूत हेई कि भगवान तो अर्जुनंकर सारथी हेई गले।
सेवक कार्य कले ब्रह्मांड स्वामी है कि जगन्नाथ ही कि अर्जुन और दासत्व को स्वीकार कर भक्त तुम भर की करीब भक्त बोल रे खाओ भक्त पेशीला हस्ती नागू दूत पण रे जाओ। पांडव माने भगवान को केते प्रिय थिले पांडव मान को पई भगवान दूत कार्य कले दुर्योधन पाख को पांडव मान कर दूत ही कि आसीले दूत हवा कोनसी गौरव रो कथा नहि स्वयं श्री कृष्ण को ए माने दूत बने कि पठैले भगवान दूत ही कि आइले हस्तिनाक आ दुर्योधन पाखर प्रस्ताव देले दुर्योधन पांडव मान को रहिया पई पांचटी पड़ा दे दे जदि राज्य फेरिया पई न चाहौचु पांचटी पड़ा पांचटी गां दे दे पांच भाई संतुष्ट ही कि रही जिवे किंतु तथापि दुर्योधन मानिला नहीं भगवान को केते गाली देला केते भर्सना कला भगवान सबु सहिले याकु बंदी करो बोली आज्ञा देला किंतु जेबे भगवान को ऐश्वर्य को देखिला भगवान को निमंत्रण करितिला मो घरे आसी कि खाओ बोली और इमिति महात्मा मन भाव दंती कि भगवान को पाए रोसई कला 56 प्रकार नैवेद्य बाढ़िला और सेतरे विष मिसाई दैथिला बड़ा पराक्रम द्वारा तो या कुन पारिली नहीं विष दे की मारी देवी ए भली चिंता करी थिला किंतु भगवान कहे देख दुर्योधन तीनोटी अवस्था रे जणे जण के घरे भोजन करी थाए जदी तार प्रभाव थाए ता प्रभाव को देखी के मना करी होवे जदी कोनोसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपन को निमंत्रण देबे खाइया पाई तांको प्रभाव को अगर इच्छा नथली भी आपन मना करी पारिबे नहीं गोटे थाए प्रभाव आ गोटे थाए अभाव जदि आपन को खाइबा पई मिलुनी जणे जदि निमंत्रण देला बढ़िया बढ़िया प्रकार व्यंजन करा हिचे लोभर जे के तागरे खाइबे तो गोटे थाए प्रभाव को देखी के आ गोटे थाए अभाव जदि थाए आ द्वितीय थाए भाव को देखी के जणे गरीब पछे हि जे ता भितरे आपन को प्रति भाव अछि तो ता निमंत्रण को भी आड़े हब नहीं ता घरे जाई कि भोजन करिया पई पड़िबो भगवान कहले मु तीनटी जगह रे खाए प्रभाव को देखी कि अभाव को देखी कि अभाव को देखी कि तो भीतर मते किछि प्रभाव देखा जाऊ नहीं आ मो घरे कोनसी अभाव नहीं स्वयं महालक्ष्मी मो घरे सेवा करू छी आ तो भीतर किछि भाव भी नहीं तेणु भगवान दुर्योधन प्रस्ताव को तिरस्कार कर देले आ गंगा कूल रे राज्य त्याग करी कि विदुर कुटिया बने कि रहुतले नुण रे लवण रे राजा रा अधिकार थाए अन्न रे राजा रा अधिकार थाए तेणु अन्न छाड़ी दैथिले लुण भी छाड़ी दैथिले किंतु भगवान केते समय रु आसीथिले शांति दूत ही दुर्योधन कपटपूर्ण व्यवहार को देखी कि भगवान को भी व्यस्त लगी एपटे भोग भी लगी तेणु सीधा विदुर को कुटिया को पड़े गंगा कूल से समय विदुर घरे नथिले हस्तिना को भगवान दूत रूप से आसु विदुर भी भगवान का दर्शन करने आसी किंतु विदुर पहुंचला पूर्व भगवान पहुंची गले घरे विदुर पत्नी घरे थिले विदुर पांडव मानकर काका हेबे हेबे कि न तो विदुर पत्नी को समस्त काकी काकी कहि के डाकंती आ भगवान पांडव मानकर भाई मामू को भाई तो जते पांडव माने काकी काकी कहंती भगवान भी से संबंध रु काकी कहि के डाकंती द्वार पिटी ले जाई के द्वार रे जाई के डाकंती काकी कबाट खोल कबाट खोल और जेबे से पानी को विदुर का पत्नी सुनी ले अस्त व्यस्त ही के धाई ले और द्वार को फिटेई ले और द्वार रे स्वयं श्याम सुंदर को देखी ले प्रेम रे एभली बायाणी ही वाली विदुराणी कि आज मोर कौ सौभाग्य मोर ई भंगा ददरा कुटिया को प्रभु आपण विजय करी छंती कौन दई आपण को संतुष्ट करीबी
कहले काकी सखाळो किछि खाइनि दिन चारिटा हवा को आसलाणी प्रबल भोक लागुछि तो द्वार को आसीछि किछि दबु बोली कि विदुर पत्नी को आखिरु अश्रु बाहरी जाउछि कोन देवी सर लवणी जसोमती दिए केते आदरे ताहा आपण को रुचे नाही मोर ई भंगा ददरा कुटिया भीतर प्रभु कोन दे आपण को संतुष्ट करिवि भगवान को नहीं गोटे आसन रे बसैला आ देखिला छिकारे पाचिला कदळी थिला से कदळी तक नहीं कि विदुर पत्नी आसिले आ भगवान को चरण रे बसंती भगवान को मुख पंकज को दर्शन करी करी भाव प्रेम विभल हो जाती आ देह ज्ञान नहीं विदुर पत्नी कर भगवान कहती मा दे विदुर पत्नी से कदळी चोपा तक खोलती दुई नेत्र रु अश्रु झळ झळ बही जाउचे आ कदळी फळ त तळे पकाई दियंती भगवान का हाथ को चोपा बढ़े दियंती ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजामि हम जे जेमिति भाव रखी थाए भाव विनोदिया ठाकुर से भाव को ग्रहण कर थांती से कदळी चोपा को नेकी भगवान खाउ छथि आ विदुर का पत्नी फल तले फिंगी फिंगी कदळी चोपा भगवान का हाथ रे धरे दउछि सही समय रे विदुर आसी पहुंचिले देखिले पीढ़ा उपरे बसछन्ति प्रभु तले बसीसी विदुराणी आ कदळी चोपा बढ़ई दउछि आ प्रभु चाबी चाबी से कदळी चोपा चुबे चुबे खाउ छथि धाई आसिले हाथ रो छड़े की फिंगी देले गाली देले तांका पत्नी को तू बायाणी हे गलु पागली हे गलु तोर ज्ञान काई केड़े सौभाग्य आज गोविंद विजय करछंती घर को सर लवणी जशोदा दिए रुचेनी तू तांकु कदळी चोपा दउछु ए सुकुमार प्रभु मोर खाइबे भगवान विदुर मु देखी कहंती काका इतरे काकी रो दोष नाही से भाव रे दउथला मु भाव रे ग्रहण करूथि देला बेलकु ना ताकू चेता थिला ना खाइला बेलकु मते चेता थिला विदुर कहंती नाही नाही एमती कदळी चोपा देबी आपणकु कोण देबी घरे अन्न नाही गंगा कूल रे बथुआ बथुआ साग बड़ बड़ पत्र गंगा कूल रे ही थाए गंगा कूल रु जाई साग तोळी आनिले माटी रो हांडी रे बिना नुण रे ताकू पाक कले सिद्ध कले आ कदळी पत्र रे बाढ़ी के भगवान को परसिले आ गोटे पटे विदुर आ गोटे पटे तांको पत्नी भगवान को मझीरे बसई कि दुई जण दुई दंपति भगवान को साग खुआंती साग मणही कहंती आ भगवान खाइला बेल को एई भली नाक टेकंती केबे ऊपर को मुह करंती केबे एपटे मुह करंती विदुर कहंती प्रभु गोविंद हे भक्त वत्सल ए सागरे स्वाद नाही कि मो भितरे भाव नाही कि आपण को भोक लागोनी प्रभु आपण प्रेम रे मन ही करू नाहंती भगवान कहले काका अन्यथा न बोली जो स्वाद काकी रो कदळी चोपा रे थिला से स्वाद ए साग रे भी नाही विदुर भाव विभळ हे जानती प्रभु ता भलिया आश्चर्य मु कोठी आणी तेणु भकत विदुर साग भजा दे तो साई पारिला मन तो साई पारिला मन भगवान विदुर के घरे साग भजा खाइले तेणु परीक्षित कहंती प्रभु मो पितामह तांको उपरे आपण कर केते करुणा थिला मो भितरे कोनोसी योग्यता नाही से संबंध को बधे देखी आज आपण मो उपरे एते कृपा करिछंती मो पिता पितामह मन को आपण कर संगत मिलिला किंतु एई भली महापुरुष कर सान्निध्य तांको मिली नथिला कृष्ण मिलिले किंतु कृष्ण कथा मिली नथिला मते कृष्ण कथा आपण प्रदान करचंती अपि मे भगवान प्रीत
कृष्ण पांडुसुत प्रिय पैतृस्य सेय प्रीत्यर्थम् तदगोत्रस्यात् बांधव। अपि मे भगवान प्रीतः, मो उपर भगवान बहुत प्रसन्न नहीं चंती, काई की कृष्ण पांडुसुत प्रिय, भगवान पांडुसुत पांडव मानकर अति प्रिय थिले, अमु तांकर वंशरे जन्म ही चंती ही ची, तनु से संबंध को देखी की प्रभु मो उपरे प्रसन्न नहीं चंती, तेनु आचार्य माने बार बार कहंती जदि शरणागत नव संबंध को देखी की नियम, गुरु परंपरा को देखी की नियम, यद्यपि आम भीतर कोनोसी योग्यता नहीं भगवान को पाखरे जाए कि जणाओ प्रभु मो मो भीतर कोनोसी योग्यता नहीं, किंतु मो गुरुदेव मु जहांकर आश्रय अछि तांको कृपारु मु आपनकर शरण को आसी छी, मो गुरुदेव को गुरुदेव तांको गुरु को गुरुदेव सेमिति जदि से परंपरा रे जीवे जे प्रधान आचार्य थिवे से आचार्यंकर स्मरण भगवान को करैबे आ से आचार्यंकर स्मरण करैले भगवान रही पारंती नाही। श्री संप्रदाय रामानु संप्रदाय लक्ष्मी नारायण जो संप्रदाय रे आराध्य जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य थरे भगवान को डाकी 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 ठकी गले, केते स्तुति कले स्तुति करी करी ठकी गले, किंतु भगवान ना सुनिले ना तांको आड़ को टिके अनैले। जगतगुरु रामानुजाचार्य विरक्त हेले आ भगवान को सुनैले प्रभु आपण मते देखी कि अवहेला करुछंती, मानुची मो भितरे कोनोसी गुण नाही, किंतु मु सेही यमुनाचार्यंकर शिष्य जहां को कोळरे बसी के आपण खाउतले, मु सेही नाथ मुनि यमुनाचार्यंकर गुरुदेव होचंती, नाथ मुनि गुरु परंपरा को स्मरण करैले, जेबे गुटे गुटे करी गुरु परंपरा को स्मरण करैले भगवान साक्षात प्रकट है कि रामानुजाचार्य क्षमा मांगिले ना नमर भूल ही वाला तू का परंपरा रे आसे छु मु भूली जाई थी, तेनु भगवान संबंध को देखी कृपा करो, जने सत संप्रदाय अंतर्भूत है कि जे भगवान कर चरण रे पहुंचे से भगवान ताकू देखंती नी। अरे जदी कोनोसी मिनिस्टर रो पुओ पुलिस थाना को जीव कि कोनोसी विशिष्ट व्यक्ति मान को भीतर थीव ताकु के देखिबे नि ए का पिला बोली समस्त देखिबे, अरे ये तो अमुक मंत्री रो पिला अमुक कलेक्टर रो पिला बोले आशा आशा बोली ताकु स्वागत करिबे कि नहीं, सेमति भगवान जीव को देखंती नि से का अनुगत रे अछि से कार आश्रय रे अछि गुरु परंपरा को देखंती अजय भगवान स्मरण करंती से भक्त मान कर समर्पण को से जीव रो कोनोसी गुण नथिले भी सर्व प्रकार अयोग्य हेतिले भी ता गुरु परंपरा को देखी के भगवान ता ऊपर कृपा करथि, तेनु सद संप्रदाय अंतर्भूत ही शरणापन्न हवा कथा। राजा परीक्षित कहंती प्रभु मो भितरे सिना कोनोसी योग्यता नाही, मु जानिली मो पितामह तांक वंश को देखी कि भीष्म पितामह कुंती द्रौपदी अर्जुन युधिष्ठिर ए माने केमिति प्रभु आपण के सेवा करथिले, बदे से कथा को मने पकई कि आज मो समान अपराधी जे ब्राह्मण मान को प्रति अपराध कर देला साधु को प्रति अवज्ञा कर देला मोर समस्त दोष को अपराध को क्षमा करी कि आपण मो ऊपर कृपा करिछंती। पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम् तदगोत्रस्यात् बांधवः। मोर पिता मानकर भाव को देखी कि मो गोत्र को देखी कि तेणु गोत्रानु बंधन भक्ति कहा जाए, गोटे गोत्र थाय आम परिवार रो जो वंश रे आम जन्म हेचु आमर गोत्र थाय और जो परंपरा रे हमें दीक्षित हेचु से साधु परंपरा रे गोत्र अछि कि नहीं, जने साधु हे गेला माने अच्युत गोत्री हे गेला से भगवान कर गोत्र सहित तार गोत्र मिसि गेला, गोत्र माने परंपरा,
जो गोत्र जो ऋषि नारे आमर गोत्र अछि आमे श्री ऋषि कर संतान जार भरद्वाज गोत्र थाए माने भरद्वाज ऋषि को ठारु से परंपरा आसी छि तर पराशर गोत्र थाए पराशर मुनि को ठारु परंपरा आसी छि तर वशिष्ठ गोत्र थाए वशिष्ठ मुनि को ठारु से परंपरा आसी छि तेनु राजा परीक्षित कहन्ति मोर पिता मनकर भाव को देखि कि प्रभु आपण मो पर कृपा करछन्ति नितराम प्रियमाणाना संसिद्धस्य विद्वनीयसः नहले प्रभु अन्यथाते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम नहले मो भितरे एभलि महात्माकर दर्शन करियार कोनोति योग्यता भी नहीं आ जदि एभलि महात्मा प्राप्त हे गले तांकु कोनो पचारिया कथा कि गुरुजी टिके मोर हाथ देखी देल केते संपत्ति पाइबी केते मान प्रतिष्ठा पाइबी ये सब कथा महात्मा मान को पचरा जाए नहीं जदि महात्मा को भेटिल जने महापुरुष को चरण बसिल तांकु कोनो पचारिबो राजा परीक्षित कहंती अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह जतकार्य म्रियमाणस्य सर्वथा हे योगिनां परमं गुरुं योगी मानंकर भी आपण परम गुरु गुरु मानंकर भी गुरु गुरुं मुनिनां आपण को भड़िया महापुरुष को पाइला परे प्रभु अथ पृच्छामि आपण गोटिए मु प्रश्न पचारुचि सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य जत कार्यम तत् ब्रूहि म्रियमाण व्यक्तिर धर्म कौन तार कर्तव्य कौन म्रियमाण माने जे मुमूर्षु हे कि पड़ीछि जार मृत्यु सन्निकट जे अल्प दिन भितरे मरिबा को जाउछि एभलि व्यक्ति को म्रियमाण बोली कहा जाय एभलि व्यक्तिर धर्म कौन तार कर्तव्य कौन कह जीवन गला बेड़े की भाषा दीवी मोहितड़े की भाव स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना हे गुरुदेव कौन सुनिबि पाटीरु कौन उच्चारण करिबि का पादे शरण पसिबि कहाकु स्मरण करिबि जीव गला बेलू मोर धर्म कौन कर्तव्य कौन एक कथा सुनी कि सुख मुनि बहुत प्रसन्न हेले बहुत प्रसन्न हेले आ एई भली प्रश्न सुनी कि ही गुरुदेव प्रसन्न होंती जेबे शिष्य आसे कि गुरु को सामना रे परमार्थ विषय प्रश्न करे तेबे वास्तव रे हृदय रु महात्मा माने बहुत खुशी ही जानती बरिया अनुषित प्रश्न कृतो लोक हितम नृप सुख मुनि कहन्ति हे नृप हे राजा ते बरियान तू जो प्रश्न पचारिचु अति उत्तम प्रश्न पचारिचु आ ये प्रश्न तू तो पई पचारिनु कृतो लोक हितम लोक हित पई तू ये प्रश्न पचारिचु राजा परीक्षित कर भाव को सुख मुनि जानन्ति कि राजा जदि मोर दर्शन तते न भी मिलिबो ए हरि कथा तते सुनिया पई न भी मिलिबो तथापि तोर उद्धार रे कोनोसी संदेह नाही अच्छा जदि वास्तव रे देखा जाए राजा परीक्षित म्रियमाण नहंति म्रियमाण कहा कह जाए जहार मृत्यु सन्निकट हे गला
किंतु राजा परीक्षित को अभिशाप मिली सात दिन परे तक्षक आसिकी दंशन करिवो अक्षणे निमिषे थिले प्राण नेई न पारे जंतु राण यदि गोटे क्षण पाई भी आयु बाकी अछि ब्रह्मांड रे कार सामर्थ्य नहीं प्राण नहीं जीव माने सात दिन पर्यंत कन्फर्म अछि कि राजा परीक्षित कर मृत्यु हव नहीं किंतु यदि आमे विचार करिबा आमे गारंटी सहित कही पारिबा कि एक दिन दुई दिन कि तीन दिन सुरक्षित ही कि बंचिबा रात्रि रे सोई थांति अचिंता सखाळु खबर मिले सोई सोई पार ही होले आ कोरोना समय रे भगवान समस्तंकु देखै देले मृत्यु पई आयु रो कोनोसी आवश्यकता नाही छोटो छोटो पिला मानकर मृत्यु ही गला नव विवाहित विवाह को वर्षे भी पूरी नहीं एई भली व्यक्ति मानकर मृत्यु ही गला जौवन अवस्था रे मृत्यु ही गला अरे माता गर्भ भीतर ही केते समाप्त ही जानती तिनु को समय रे कार मृत्यु आसी के पहुंचिवो केही जानी नहंती आज रात्रि सोइला परे काली सखाळ सूर्य दर्शन करि पारिबो ये भी कोनोसी व्यक्ति कन्फर्म रे कहि पारिबो नाही तनु वास्तव रे राजा परीक्षित मृयमान महंती आमे समस्त मृयमान तनु आमर प्रश्न ये कि आमर धर्म कौन कर्तव्य कौन कहा को सुनिबा कथा कार शरण पशिबा कथा और राजा परीक्षित के जीवन रे सात दिन बाकी अछि जे देखा जाए प्रत्येक मनुष्य को ही सात दिन मिली छि सोमवार को नहीं कि रविवार पर्यंत सात दिन ही मिली छि ए सात दिन भितरे समस्तंगर जन्म ही छि ए सात दिन भितरे ही गोटे दिन निर्धारित ही छि जो दिन मृत्यु रे तिथि हो तनु राजा परीक्षित मिर्यमाण नहंती आमे समस्ते मिर्यमाण तेणु सुख मुनि कहंती कृतो लोक हितम नृप तुम ये प्रश्न तो पई पचारु लोक कल्याण पई तू पचारिचु अच्छा भगवान नृसिंह भगवान प्रहलाद को कहिले प्रहलाद वर्मान प्रहलाद कहंती प्रभु आपण को दर्शन कला पर आ कोण वरदान मांगिबे प्रहलाद मु अति प्रसन्न हे छी वर मांग प्रहलाद कहंती प्रभु जदि वर जाचु छ मो पिता हिरण्यकशिपु आपण को बहुत गाली कला बहुत निंदा कला आपण को प्रति द्रोह आचरण कला तनु प्रभु कृपा करंतु मो पिता रो दुर्गति न हे जाऊ कृपा करी के मो पिता को भी चरण रे आश्रय दियंतु नृसिंह भगवान हसीले कहले प्रहलाद त्रिशप्त भी पिता पूतः जायते सहते नघ यत साधुस्य गृहे जात भवान वै कुल पावन प्रहलाद जा वंशरे जणे वैष्णव जणे भक्त प्रकट ही जाए त्रिशप्त भी माने तार 21 पीढ़ी उद्धार ही जानती और तू तो कुल पावन तो समान भक्त को गर्भरु जन्म देई तो पितार दुर्गति हव चिंता करनी तो जो वंश रे गोटिए भक्त प्रकट ही गले 21 पीढ़ी उद्धार ही जाए राजा परीक्षित का वंश जन्म ही चंती अभिमन्यु अर्जुन भीम युधिष्ठिर पितामह भीष्म माता कुंती द्रौपदी उत्तरा किए जणे अछि जे भगवान के भक्त नुहे तो एई भली वंश रे गोटे पिला गोटे बालक जदि भगवान कर भजन न भी कला भगवान ता वंश को देखि के तार उद्धार कर देबे कृतो लोक हितम रूप तोर भजन न हेले भी तोर उद्धार कोनो से संदेह नाही ये गोटे कारण आउ गोटे कारण जदि जणे मनुष्य महापापी ही था जीवन सारा पाप करी था अपराध करी था किंतु जदि जणे समर्थ महापुरुष तार कल्याण रो संकल्प कर देवे और ता कल्याण पई भगवान को प्रार्थना करिवे
हे जगन्नाथ वात्सल्य गुण सागर एन रक्ष जगन्नाथ बहुजन्म अपराधी न प्रभु ये बहुजन्म अपराधी किंतु तथापि आपण जगन्नाथ वात्सल्य सिंधु दया सिंधु या उपरे कृपा कर जणे महात्मा यदि ये वाली प्रार्थना कर दियंती महापापी जीव रवि उद्धार हो जाए किंतु राजा परीक्षित कर कल्याण पे केते महात्मा बसंती आ ब्रह्मांड रे कोनो से महात्मा बाकी रहंती व्यास वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र सब बसंती गंगा कूल रे आ गोटिए प्रार्थना करंती प्रभु ए राजा परीक्षित उपरे कृपा करंतु तो एते महात्मा जहां को कृपा पे सामना रे बसी चंती से राजा रे केबे दुर्गति हव संभव न हे ये गोटे कारण आ तृतीय कारण गंगा कूल रे बसचंती जो गंगा कर दर्शन मात्र मनुष्य मुक्ति ही जाए स्पर्श मात्र मुक्ति ही जाए आ गंगा कूल रे प्राण छाड़ीवे तेनु हे राजा परीक्षित आपण कर मुक्ति रे कोनोसी संदेह नाही बरियानीशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपरः आपण अति उत्तम प्रश्न करिचंती लोक कल्याण पाई करचंती आत्मविद् आत्मविद्ता महात्मा माने महापुरुष मानकर सभा रे आपण करे ए प्रश्नर बहुत आदर हव महात्मा माने बहुत प्रसन्न हेबे कारण हे राजा परीक्षित सामान्य व्यक्ति एभली प्रश्न केबे पचारे नाही माया कबलित व्यक्ति संसार भोग को भोगी की जे बहुत आनंद रे पड़ीची एभली व्यक्ति मानकर गति कोन सुकमुनि कहंती निद्रया धयते नक्तम व्यवाये न च वावय दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणे नवा ध्यान से सुनो हम कथा कहु नहंती तो निद्रया रहयते हे राजा मनुष्यर अधा आयु निद्रा हरण करिनिए जदि भगवान 100 वर्ष आयु प्रदान करचंती ताले 40 वर्ष आयु तो सोई सोई चली जाए दिन गेल मिछ काजे रात्रि गेल निदे ना भजिलु राधा कृष्ण चरण अरविंदे विषय व्यक्तिर अधा आयु सोई सोई चली जाए राती को 6-7 घंटा निद गला दिन बेले 3-4 घंटा निद गला 24 घंटा रु 10 घंटा तो सोई सोई बीती गला भोग विषय रे रात्रि बीती गला और दिवा चार्त है राजन कुटुंब भरणी नबा संसारी व्यक्ति कुटुंब भरण पोषण करिया पई पिला छुआ स्त्री परिवार यांकु संतुष्ट करिया पई सखाळु बाहरी जाए रात्रि को फेरे तर सारा दिन कुटुंब भरण पोषण करिया पई कुटुंब चिंता रे धन उपार्जन करिबा चिंता रे बाकी समय बीती जाए तेणु भगवान कर पाई निज कल्याण पाई और ता पाके समय कही जन्मरु नहीं की वृद्धा अवस्था पर्यंत केते शीघ्र आयु सरी जाए मनुष्य जानी पारे नहीं तथापि ताकू चिंता हुए नहीं कि प्राण र संध्या समय जीवन र संध्या समय आसिलानी कल्याण केमती हबो 50 वर्ष बीती गला आमे प्रसन्न है कि सिल्वर जुबली करूछु रजत जयंती करूछु धूमधाम रे पैसा खर्चा करके भोजी भाती करूछु जो चिंतन करा जाए कि मोर आयु सरी गला 50 वर्ष आयु जीवन र सरी गला आ ये 50 वर्ष आयु रे निजर कल्याण पाई करी कली कर जहां भी कली अन्य पाई कली परिवार पाई कली कुटुंब पाई कली ए शरीर पाई कली किंतु मोर कल्याण पाई केते समय मो जीवन रे आसिला यदि विचार करिवो आत्मज्ञानी व्यक्ति निज को धिक्कार करिवो मोर 50 वर्ष आयु सरी वाला 70 वर्ष आयु सरी वाला केते बेले काल आसे की पहुंच जीवो तर कोनो से ठीक नहीं
आ मृत्यु समय रे जदी ए चित्त ए मन संसार रे लागी गला ताले पुनः ए संसार बंधन रे पड़िया पई पड़िबो। तेणु जेबे वर्ष पूरे जन्मदिन आसे सेदिन उत्सव भुजित करिया कथा किंतु टिक एकांत रे बसे कि पश्चाताप करिया कथा कि मोर गुटे वर्ष आयु व्यर्थ बीती गला। ए गुटे वर्ष आयु रे ना भजन ही पारला ना स्वाध्याय ही पारला ना गुटे दिन भी भगवान को पई मो मन लागिला भगवान को मु स्मरण कली। शिशुक मुनि कहंती हे राजा देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्त्वपि तेषां प्रमत्त निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। संसारी व्यक्ति देह पुत्र पत्नी संसार प्रति एते आसक्त है कि बुड़ी की रही थाए निज आखिरे देखे मो परिजन मान को मृत्यु मो सामना रे होचे माता पिता को निजे स्मशान रे नहीं कि जाली के आसीला जहां सहित समाज रे मिसुतला ता सखा बंधु सहोदर जेबे समाज रे के मरी जाए चलो भाई चलो अमुक व्यक्ति रो मृत्यु हो गला चलो अमर धर्म ताकु नहीं कि स्मशान रे संस्कार करी के आसीबा सब जानती कि नहीं आ गला बेल को बहुत प्रेम रे कहंती राम नाम सत्य है जगत सब झूठ है राम नाम सत्य है। पश्यन्नपि न पश्यति निज आखिरे देखुची अब कहुची राम नाम सत्य है जगत सब झूठ है किंतु तथापि ताकु निज आत्मसात करी पारु नहीं। अरे से तो मला आमे कोन अमर फल काई के आसीछु सही स्मशान रे आमो पाई भी गुटे जागा रिजर्व करा ही छी आज जोटी ताकु पोड़ी की जाऊ छु 2 वर्ष परे कि 4 वर्ष परे कि 5 वर्ष परे आमर ही बंधु बांधव वाणी के सही जागा रे आपको फुकी की जीवे। तेणु अभिमान न करी कि अहंकार न करी कि जति की आयु बाकी अछि ताकि व्यर्थ न करी कि भगवान को प्रार्थना कर प्रभु मोर मति एभली हे जाऊ कि प्राण गला समरे संसारी व्यक्ति मानकर स्मरण न हो एक ग्रह परिवार स्मरण न हो। अवनाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगहु जेहि जो निजनमु करम बस तह राम पद अनुराग। मोर कर्म अनुसार जो जोनी रे मोर जन्म हो मु केवे आपन को भूले राम सुखदास जी महाराज भारत वर्ष रे जने मूर्धन्य महात्मा से बार बार कहिवे और निज शिष्य मान को कहिवे हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं जीव दिनो को कम से कम 50 थर मने पकाओ हे प्रभु मु आपन को न भूले हे प्रभु मु आपन को न भूले। संसार माया रे मजिली साधु संग को तेजी तरुणी तनया तनु को दीवार जनी हे जी तुम्भ नाम प्रभु जग जीवन प्रकृति मते भूलाइला सुधार सवाप्यायन। ये भली प्रभु को सदैव डाकिया कथा प्रभु कुसंगरे पड़ी की आपण को भूली जाऊ छी आपण मते कृपा करी की छंदा चरण रे बांधी की रखंतु। तेणु हे राजा परीक्षित तू भगवान को स्मरण करी कि कृष्ण कथा सुनिया पई चाहूचु ये निश्चित ही तो ऊपर भगवान कर परम कृपा है छी आ तो हे राजा तू पचारुचु जार मृत्यु सन्निकट अछि मृयमाण व्यक्ति ए भली व्यक्ति रा कर्तव्य कोन तार धर्म कोन
तले ही राजा तीनोटी कार्य करिया कथा तीनोटी कार्य को छाड़ी की चतुर्थ कार्य आड़ को ध्यान दबार भी आवश्यकता नहीं। श्री शुक मुनि कहंती तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचता भयम्। हे भारत, हे महाभागवत, सर्वत्र भगवान को अनुभव करी कि तीनोटी कार्य कर, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। प्रथम कार्य होची श्रोतव्य, भगवान कर कथा को श्रवण कर। द्वितीय कीर्तितव्यश्च, भगवान कर नाम को जाप कर, कीर्तन कर। तृतीय होची स्मर्तव्य, भगवान को रूप को, भगवान कर लीला को बार बार स्मरण कर। ये तीनोटी ही धर्म, ये तीनोटी कार्य को छाड़ी की चार नंबर कार्य आड़ को दृष्टि दबार भी आवश्यकता नहीं। प्रथम होची हरि कथा श्रवण। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुटः, भगवान कर लीला को एक कर्ण पुट द्वारा जो श्रवण करे, द्वंद धर्मा विनष्ट और समस्त संशय आपे आपे दूर ही और भगवान कर पाद तड़े तार प्रेम ही जाए। ये हरि कथा सुनी की, अरे दुनिया रे भी प्रेम कहती हुए दुई मार्ग रे प्रेम ही था, नेत्र द्वारा औ कान द्वारा। जदि जने व्यक्ति एते सुंदर देखा जाउतबो ताको देखु देखु ता प्रति प्रेम हे जाय, आ जदि जणक विषय रे एते सुनीला ता विषय सुनी 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 दिने इच्छा हुए कि जहा विषय रे एते सुनु छु भाई ताके टिके आखिरे देखनते। एणु भगवान कर दर्शन ए नेत्र द्वारा तो मिलिबनी, किंतु भगवान कर महिमा को एते श्रवण कर, एते श्रवण कर कि सुनी सुनी दिने तांको दर्शन करिवार इच्छा उत्पन्न हि जीव। आ दर्शन रो इच्छा उत्पन्न हो भगवान कृपा करी कि दर्शन देई दियो। दर्शन न मिलिवार एकमात्र कारण भगवान को दर्शन करिया पे इच्छा हे जाय उत्पन्न हि। आ जो दिन प्रबल इच्छा प्रकट हे गला भगवान आपे दर्शन देई दियो। प्रथम होची श्रोतव्य, बार बार हरि कथा को श्रवण कर। और द्वितीय कीर्तितव्यश्च, भगवान कर नाम को जाप कर। और तृतीय एकांत भगवान के रूप को, भगवान के लीला को स्मरण कर। तो राजा परीक्षित कहंती हे गुरुदेव, तीनोटी काम करिया ये सहज नुहे, आपको मु गोटे काम पचारिले आपण तीनोटी उपाय बताई देले। गोटी उपाय बतांतु, जो उपाय रे तीनोटी जाको उपाय हे जीव सिद्ध हे जीव। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हेले, बोले कली युग लोक एते प्रमादी हे जीवे, तांको तीनोटी साधना कला आळ को भिड़ पड़ी जीव। तो राजा गोटे साधना मु कहूची, यदि गोटे साधना सिद्ध हे जाए तो पछे पछे तीनोटी गुण सब साधना सिद्ध हे जीव। एतन निर्विद्यमानानां मिच्छताम कुतो भयम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर नामानुकीर्तनम्। हे राजा, ए ब्रह्मांड रे जेते योगी महात्मा महापुरुष माने अछंती समस्ते एका सांगरे एक मत्र गोटे उपाय को श्रेष्ठ उपाय बोली बतई चंती। पुराण मानंकर ए प्रसंग आसे, थरे ब्रह्मांड रो जेते बड़ बड़ महात्मा माने थिले, व्यास वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम चवन समस्ते विचार कले कि मनुष्य रो कल्याण रो सबुठ श्रेष्ठ उपाय कौन। आ सुमेरु पर्वत रो उत्पत्ति का ऊपर समस्त सभा बसैले महात्मा माने। तो किए महात्मा कहंती वेद अध्ययन द्वारा मनुष्य ज्ञान दूर ही जाए, अज्ञान दूर ही जाए, तक परम ज्ञान प्राप्त ही था। जड़े महात्मा कहली तीर्थ यात्रा,
ए पृथ्वी रे जेते तीर्थ माने अछंती से तीर्थ को गमन कले मध्य मनुष्य निष्पाप हि जाय। जणे महात्मा कहंती इंद्रिय को निग्रह करिया पय व्रत करिया कथा। जणे महात्मा कहंती यज्ञ द्वारा यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न नहीं जानती। अनेक प्रकार रो साधना को विवेचना करा गला और सर्वोपरि समस्त महात्मा माने कहिले सबुट सरल उपाय होची हरेर नामानु कीर्तनम। भगवान कर नाम कीर्तन भलिया अन्य कोनोसी साधना नहीं। तेणु हे राजा परीक्षित योगी नाम निर्णीतम मु कहुनी बड़ बड़ योगी माने महात्मा माने समस्त साधना को मंथन करी निष्कर्ष बाहर कर हरेर नामानु कीर्तनम। हरिनाम संकीर्तन भलिया साधना उपाय सरल सहज मार्ग मनुष्यर कल्याण पाए आउ द्वितीय नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम को छाड़ी देले मनुष्यर कल्याण पाए आउ अन्य पंथा नहीं। और यदि हरिनाम ठीक भावरे निया जाए नाम कीर्तन नाम कीर्तन कला बेल को स्मरण हो कि नहीं। जब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम जाप हो तो स्मरण भी तो हो जाप सहित स्मरण भी हो श्रवण भी हो ठीक भाव रे नाम जाप करा जाए श्रवण सहित नेत्र बंद करके भगवान को रूप ध्यान करा जाए ताले स्मरण भी हो जाए। नाम कृपारु हरिनाम रे कृपारु चित्त जितले धीरे 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 विशुद्ध ही जाए भगवान कर छवि आपे आपे मन भीतर प्रकट ही जाए हृदय भीतर भगवान कर छवि आपे आपे प्रकट ही जाए। तो एक नाम जाप द्वारा श्रवण भी हव और स्मरण भी ही जीव। हे राजन केवल हरिनाम रा आश्रय ले।